इमरान शहनशाह कौन है? शहनशाह भी हमारे क्लास में? हाँ शहनशाह, सच में इसको बनाओ ना शहनशाह। शहनशाह हाँ सर हाँ सर अजीज, जरा तुम अपना कैमरा ऑन करो। शहनशाह, ये अंधेरी रातों में तो नहीं निकलता है, सुनसान राहों पर। हाँ शहनशाह, तुम ठीक हो? ओके चलो हम शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। ओके तो मैं बात कर रहा था एक्सियम ऑफ चॉइस की। तो मैं एक्चुअली, मैंने बोला ना ये हमारे थ्योरम पे, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं एक्सियम ऑफ चॉइस। तो मैंने कहा था पार्शियल ऑर्डरिंग के बारे में बताया था मैंने। तो मैंने कहा था अगर मैं नेचुरल नंबर्स पे लूं, एक नेचुरल ऑर्डर है इस पे, नंबर्स है ना एक दूसरे से छोटे बड़े होते हैं, तो वो एक पार्शियल ऑर्डरिंग ऑटोमेटिकली हाँ होती थी। तो मैंने कहा मैं इस पे एक और पार्शियल ऑर्डरिंग डिफाइन कर सकता हूँ। ए इज लेस देन इक्वल टू ओके बी का मतलब है ए डिवाइड्स बी, या इसको हम पढ़ते हैं ए जी डिवाइड्स बी, अगर तुमने नंबर थ्योरी में किया होगा, विच इज द सेम थिंग एज ए इज अ फैक्टर ऑफ हाँ बी। ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, तो ऑफ कोर्स सर ए इज अ फैक्टर ऑफ ए, तो ये हाँ रिफ्लेक्सिव तो सर है हाँ सर ए डॉट सी बी डॉट सी एंड ए बी प्लस बिल्कुल। माइनस एंड इफ ए डिवाइड इज बी एंड बी डिवाइड सी, तो उसका मतलब होगा ए डिवाइड इज सी। जैसे टू सी डिवाइड ऐसा इज टेन एंड टेन डिवाइड इज हंड्रेड, तो ऑफ कोर्स टू डिवाइड इज हंड्रेड। टू डिवाइड हंड्रेड तो इसका यस मतलब क्या है? मतलब इसका मतलब है ए इज लेस देन इक्वल टू ए, इसका मतलब है ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू सी। देन यानी मैं अपने जो ये पार्शियल क्वेश्चन क्राइटेरिया जो है ना पार्शियल ऑर्डरिंग का, इसी तरह से ऑफ कोर्स इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, देन एक ही चीज है कि ए शुड बी इक्वल टू बी, एंटीसिमेट्री भी आ प्लस जाएगी। माइनस हाँ हाँ सर नहीं, मैं नेचुरल नंबर्स ले रहा हूँ ना, हाँ प्लस सर माइनस तो नहीं आएगा, है ना, प्लस है कि हाँ नहीं? तो इसका मतलब ये जो पार्शियल सर ऑर्डरिंग है, इट नीड नॉट बी ए नेचुरल ऑर्डर, जो ना लेस देन इक्वल टू है। ये रिलेशन हो सकती है ए इज अ फैक्टर ऑफ बी भी, है ना, है कि हाँ नहीं, सर नेचुरल नंबर्स पे। हाउ अबाउट इफ आई टेक ए सेट ए, लेट मी कॉल इट ए बी सी, फिर मैं लेता हूं इनके सबसेट्स, लेट मी कॉल इट सेट ए, सेट ए बी, ए खुद फाई, ए सी, कोई भी सब कलेक्शन, ठीक है ना, तो इस पे एक पार्शियल ऑर्डरिंग हो सकती है। वो क्या हो सकती है? इफ इफ ए बी बिलोंग्स टू एक्स, इफ इट इज सम सबसेट ऑफ ए, देन अगर मैं डिफाइन करूं, मैं कहूंगा ए इज लेस देन इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये भी पार्शियल ऑर्डरिंग है ना, मैं कह सकता हूं ये हाँ इससे लेस देन इक्वल टू है, ए इज सबसेट ऑफ ए मैं बी कहता हूँ ये सबसे ए लेस देन इक्वल टू है सबसेट और ये सबसे ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। तो और ये ऑफ ए सारी प्रॉपर्टीज जो इट वुड बी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, तुम आराम से कर सकते हो। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ सी, एवरी सेट इज अ सबसेट हाँ ऑफ इटसेल्फ, एंड इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इट वुड इंप्लाई दैट ए इज इक्वल टू बी, सर है ना। तो ये हाँ इट सर इज अ पार्शियल ऑर्डरिंग, है ना। तो यू कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्शियल ऑर्डरिंग ऑन सेट्स, ठीक है। अब जारमेलो ने प्रूव क्या किया था? उसने प्रूव किया कि एवरी सेट कैन बी वेल ऑर्डर्ड, ठीक है। अब मैं वापस जाऊंगा, ये जो पार्शियल ऑर्डरिंग है ना, इसको हम कहते हैं लीनियर ऑर्डर। इफ इट इज लाइक ए चेन, चेन भी हम कहते हैं, लीनियरली ऑर्डर्ड सेट भी कहते हैं। चेन का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे सेट्स को हम एक लाइन में खड़ा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इट इज वन इज लेस देन, टू इज लेस देन, थ्री इज लेस देन फोर, है ना। सो दिस इज ए लीनियर ऑर्डर। लेकिन अगर मैं लू ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, है ना, ऑफकोर्स वन इज लेस देन, दूसरी चीज है ना, लेकिन टू इज नॉट लेस देन इक्वल टू थ्री। व्हाई? बिकॉज टू इज नॉट ए फैक्टर ऑफ थ्री थ्री। डज नॉट डिवाइड थ्री यस हाँ, लेकिन टू के बाद फोर आ सकता है, हाँ सर लेकिन टू के दूसरे साइड पे सिक्स भी आ सकता
है ना। जी सर। सिक्स के बाद आ सकता है 36, फोर के बाद आ सकता है 8, मतलब बहुत सारे। सो इट्स नॉट लाइक, इट्स नॉट अ लीनियर ऑर्डर, इट्स नॉट अ चेन, ठीक है ना। लेकिन नेचुरल नंबर्स में चेन है, इसी तरह से रियल नंबर्स में भी एक चेन आ जाएगी ना। हाँ सर। माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू 1.1 या 0.9, फिर लेस देन इक्वल टू 0, फिर 1, सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ चेन, है ना। अब लीनियर ऑर्डर अगर हो एंड यू हैव द लीस्ट एलिमेंट, यू ऑल्सो हैव द लीस्ट एलिमेंट, यानी वो किसी जगह से शुरू होके फिर जाती रहती, उसको हम कहते हैं वेल ऑर्डर्ड। क्या कहते हैं? तो उसका मतलब जो नेचुरल नंबर है ना, अगर मैं लू अंडर इट्स नेचुरल ऑर्डर, इट इज नॉट ओनली लीनियर ऑर्डर्ड, इट्स नॉट ओनली अ चेन, इट इज वेल ऑर्डर्ड सेट। यानी ये चेन है और उसका सबसे छोटा एलिमेंट वन से स्टार्ट होती है, वन से स्टार्ट होती है। लेकिन रियल नंबर्स इज नॉट वेल ऑर्डर्ड, अंडर नेचुरल ऑर्डर, ठीक है ना। और ये भी चेन नहीं होगा, एज यू कैन सी यहाँ पे ना, ये जो एक्स मैंने किया सेट्स। लेकिन इसने क्या प्रूव किया जार्मेलो ने? एवरी सेट कैन बी वेल ऑर्डर्ड, यानी हम किसी तरह से उसका मतलब ऑब्वियसली हम तो इसका तो फिर आ जाएगा ना, आर इज नॉट वेल ऑर्डर्ड, अभी हमने किया ना, आर इज नॉट वेल ऑर्डर्ड अंडर नेचुरल ऑर्डर। लेकिन उसका मतलब इस प्रूफ का मतलब ये था कि हम कोई और क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं ऑर्डर के लिए, जैसे कि मैंने नेचुरल नंबर्स के लिए बता दिया ना कि कुछ दूसरा तरीका ऑर्डर का, जैसे ये इज अ फैक्टर ऑफ, है ना, जहां पे ये वेल ऑर्डर नहीं था। लेकिन उसका मतलब, उसके कहने का मतलब था कोई भी सेट हो उस पे हम किसी तरह से एक ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं, सच दैट अंडर दैट ऑर्डर उसका एक लीस्ट एलिमेंट भी है और चेन भी, यानी वेल ऑर्डर। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? लोगों ने कहा ठीक है तो फिर आर पे करके दिखाओ, है ना, अगर तुम्हारा ये तो आज तक भी हम आर के लिए कोई ऐसा ऑर्डर, आज ये तो आज से 150 साल पहले की बात है, आज तक भी हम आर के लिए कोई वेल ऑर्डर्ड डिफाइन नहीं कर मतलब। तो अब क्या हुआ? अब फिर क्या, फिर लोग ढूंढने लगे ना कि फिर प्रूफ में शायद कोई गलती होगी, है ना, मतलब मैथमेटिशियंस ढूंढने लगे ना, अगर हम नहीं कर सकते और ये प्रूव कर रहा है कि कर सकते हैं, so there must be some mistake in the proof, ठीक है, ठीक है ना। अब कोई कह रहा है ये सच है, तुम कह रहे हो इसके लिए कर दो, वो नहीं कर पा रहा है, तो तुम कहोगे जो तुम्हारा प्रूफ है उसमें कहीं पे तुमने गलती की होगी। तो दुनिया के बड़े बड़े मैथमेटिशियंस ने उसके प्रूफ चेक किया, उसमें कोई गलती नहीं, प्रॉब्लम है ना। लेकिन उन्होंने देखा एक जगह पे इसने यूज किया है एक्सियम ऑफ चॉइस, ठीक है ना, क्या यूज किया है, एक्सियम ऑफ चॉइस, जो ना हमने अभी किया, उन्होंने जीरो आउट किया अगर कोई गड़बड़ है तो इसी में है, ठीक है जी। तो जो ना मैंने कहा था कि जो ऑब्वियस लगता है, इसको भी ऑब्वियसली लगा कि ये तो सीधी बात है कि हर, अगर मैं बहुत सारे सेट्स लूं कितने भी है अनकाउंटेबली मेनी, तो हर एक से मैं एक एक एलिमेंट लेके, अब मैथमेटिशियंस में दो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना, उस जमाने में, अब नहीं है। दो ग्रुप्स क्या हो गए, उन्होंने एक ग्रुप ने कहा भैया ये एक्सियम ऑफ चॉइस गड़बड़ है, इससे कोई चीज ऐसी प्रूव हो रही है जो हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, यानी हम आर के लिए प्रूफ की मदद से वो वेल ऑर्डरिंग खड़ा नहीं कर सकते। तो दूसरों ने कहा इसलिए हमें एक्सियम ऑफ चॉइस को मानना ही नहीं चाहिए, ये सही मैथमेटिक्स है ही नहीं कि अगर कोई चीज प्रूव हो तो उसको हम उस प्रूफ की मदद से अगर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते देन वो मैथमेटिक्स सही मैथमेटिक्स नहीं है, नहीं। उनको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट। उनमें बड़े बड़े मैथमेटिशियन थे, जैसे ब्रॉवर था, क्रॉनिकर था,
उसमें बड़ा बहस चली उन पे। एक मैथमेटिशियन ने कहा कोई मसला नहीं, मतलब वी कैन यूज इट, ये तो ऑब्वियस स्टेटमेंट है, हम इसको यूज करेंगे भले ही हमें कोई ऐसा प्रूफ मिले जिसको हम बाद में कंस्ट्रक्ट ना कर सकें, ऐसा इसमें गलती, इसमें ये गड़बड़ तो हो जाती है एग्जाम ऑफ चॉइस की वजह से। उन्होंने फिर बहुत सारे थियोरम्स को देखा जहां पे एग्जाम ऑफ चॉइस यूज होता था और उसमें भी यही गड़बड़ होती थी कि आप प्रूव तो कर सकते हो लेकिन प्रूफ की मदद से उस चीज को जिसको वो प्रूव कर रहा है कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो पहला ग्रुप था जिनने कहा था एग्जाम ऑफ चॉइस को हम सही नहीं मानेंगे, वो ज्यादा तादाद में नहीं थे, वो कम थे, इवेंचुअली वो खत्म हो गए। अब जो मैथमेटिक्स है हम मानते हैं एग्जाम ऑफ चॉइस, हम मानते हैं ऐसा पॉसिबल है कि कोई चीज प्रूफ हो और फिर हम उसको कंस्ट्रक्ट ना कर सके। और फिर कर्ट गुडाल था एक और बंदा, उसने भी उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट किया कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्जाम ऑफ चॉइस को मानने में, उसने लॉजिकली प्रूव किया कि एग्जाम ऑफ चॉइस इज कंसिस्टेंट विद अदर एग्जाम्स। तो फिर मैथमेटिशियंस ने आफ्टर दैट माना कि चलो डन डील, एग्जाम ऑफ चॉइस माना जाएगा, हम मानेंगे कोई ऐसा प्रूफ, हालांकि वो प्रूफ जिस चीज को प्रूव कर रहा है उसकी मदद से वो कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। तो हान बानाक थ्योरम भी वही चीज है, हान बानाक थ्योरम ऐसा है कि जो ये प्रूव कर रहा है उसकी मदद से हम वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ये क्या कहता है कि अगर एफ है फंक्शनल देन एफ नॉट बिलोंग्स टू एक्स स्टार वी कैन एक्सटेंड इट, लेकिन जो ये प्रूव दे रहा है उसकी मदद से हम एफ के जरिए एफ जीरो को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। वजह क्या है उसकी, एग्जाम ऑफ चॉइस यूज हो रहा है। अब इस पे मैंने बोला ना, अब हम मान रहे हैं मैथमेटिशियंस ने इसको सॉर्ट आउट कर लिया कि ये कंसिस्टेंट है, कोई इशू नहीं है, लेकिन दिक्कत तो है कि ये कंस्ट्रक्ट नहीं करने देगा। ठीक है, ये तो मैथमेटिशियंस का था, हमें उनके साथ कुछ नहीं, हम मानेंगे एग्जाम ऑफ चॉइस को। तो अब हम करते हैं प्रूफ ऑफ हान बानाक थ्योरम। अब ये भी है, ठीक है, अब मैं जरा आता हूं। अब ये एग्जाम ऑफ चॉइस है, फिर देखा गया एक्सियम ऑफ चॉइस वाज इक्विवेलेंट टू, उसने एक्सियम ऑफ चॉइस की मदद से जारमेलो ने किया था ना वेल ऑर्डरिंग, उसको हम बोलते हैं वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। फिर किसी ने ये भी प्रूव किया कि वेल ऑर्डरिंग से प्रूव कर सकते हैं हम एक्सियम ऑफ चॉइस, यानी दे आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। फिर किसी ने कहा नहीं एक और है, जॉर्मस लेमा भी इसके इक्विवेलेंट है। फिर किसी ने कहा कि नहीं एक और है, टू कीज लेमा भी इसके इक्विवेलेंट है। तो हम जो प्रूव करेंगे, हम यूज करेंगे ये वाला जॉर्मस लेमा, लेकिन वो इक्विवेलेंट है एग्जाम ऑफ चॉइस को, तो इट इज इक्विवेलेंट, इट इज एज गुड एज यूजिंग एग्जाम ऑफ चॉइस। अब इतना सब करने के बाद अब हम यूज करेंगे जॉर्मस लेमा का। व्हाट इज जॉर्मस लेमा, जॉर्मस लेमा ये कहना है, वो तो है एवरी सेट कैन बी वेल ऑर्डर्ड, मतलब वो तो हुआ वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, बट वेल ऑर्डरिंग इज इक्वल टू जॉर्नस लेमा, और जॉर्नस लेमा का स्टेटमेंट है इफ, चलो मैं उसी वक्त कहूंगा जब वो यूज करें। ठीक है, अब हमारा ज्यादा टाइम इसमें हो गया। ओके, नाउ लेट, अब यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तुम्हारे लिए लेकिन डजंट मैटर। लेट अस कंसिडर ए कलेक्शन, कलेक्शन z स्मॉल g सच दैट, अब z क्या है, z इज ए सबस्पेस ऑफ x कंटेनिंग y एंड g इज ए लीनियर फंक्शनल ऑफ z, g इज ए लीनियर फंक्शनल ऑन z such that g restricted to y is equal to f with norm of f is equal to norm of g। अब ये थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया, तो मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास एक y है सबस्पेस ऑफ x, ठीक है, such that f is a map from x to k that is linear and continuous। ये मुझे given है, मुझे दिखाना है I can do it for, तो for मतलब I can, मतलब मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है there exists some f from the whole space x to k, f not उसका नाम दिया था हमने, f not restricted to y is equal to f, and ये मुझे prove करना है। This is what I have proven it for minimally bigger space।
मुझे पूरी स्पेस के लिए प्रूव करना है, ठीक है? मुझे लगता है आज हमने काफी पढ़ा, तुम थक गए होगे, तो आज इसको खत्म यहीं पे खत्म करते हैं, कल इसको पूरा करेंगे। लीव इट फॉर टुमॉरो। ओके सर। ओके खुदा।